नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चक्रवर्ती विशुद्ध पूजा पद्धति चैनल की ओर से सभी को स्वागत करता हूं। पूजा पाठ की विषय में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने बोला था हम कोशिश करेंगे हमारे बंगाली कल्चर का पूजा पाठ का सभी पर्याक्रम नित्य पूजा पद्धति के एक एक क्रम हम सभी हिंदी भाषी फॉलोअर के लिए, दर्शकों के लिए हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट करने के लिए। तो इससे पहले दिन मैंने द्रव्य सामग्री के संग परिचित करवाया और भी एक टू कंटेंट के माध्यम से मैंने मुद्रा कैसे दिखाते हैं उसके बारे में भी बातचीत किए हैं। आज जो हम आलोचना करेंगे नित्य पूजा पद्धति का पहला जो क्रम है, पूजा में बैठने के बाद जो क्रम होता है, आसन इत्यादि समग्र सामग्री को सजा के बैठने के बाद जो हमारे क्रम का शुरुआत होते हैं, वहां से हम शुरुआत करेंगे। ख्याल रखना होगा जब हम पूजा पाठ के लिए बैठेंगे तो हमारी बाई तरफ रहेंगे अर्चना पत्र और दाई तरफ पुष्प पत्र और सम्मुख में हमारी आराध्य देव या देवी, उसके सामने आसन के सम्मुख में कोसा कुशी ताम्रकंड ताम्रपात्र इत्यादि लेकर बैठने के बाद हम पहले आचमन करेंगे। आचमन करने के समय दाएं हाथ का जो आकार होंगे गोकर्णाकृत अर्थात गांव के कान के तरह ऐसा, यहां पर कुछ ही से एक बिंदु वाटर को लेकर हम यहां पर रखेंगे और यहां से हमारी ठोंठ को ओष्ठ मार्जन करेंगे। ओम विष्णु एक बार, पहली बार करने के बाद धो लेंगे, सेकंड टाइम और भी एक बार ओम विष्णु, थर्ड टाइम धोने के बाद और भी एक बार ओम विष्णु और भी एक बार धो लेना। इसके बाद में हाथ को प्रक्षालन कर, हस्त को प्रक्षालन करने के बाद ओम तद विष्णु परम पदगम सदा वसन्ते शूरया देवी वाचक्षुरातम ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्तंगतोपि वा जस्वरेत पुंडरीकाक्षं सौवज्जभ्यन्तरशुचि ओम सर्वमंगल मंगल्यं वरिण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृतं सर्वकर्मानिकारयेत् ओम माधव माधव वाचि माधव माधव हृदि माधव माधव सरन्ते साधव सर्वे सर्व कर्येषु श्रीमाधव श्रीमाधव श्रीमाधवम् ओम नमः श्रीते सकल कल्याणं भाजनं जायते जत्र जायते स्तमजं पुरुषं नित्वं स्वर्णं भजामि हरिं ओम शंखं चक्रं धरं विष्णुं दीभुजं पितवाससं प्रारंभे कर्मनं विप्रौ पुंडरीकं सरिद्धरिं ओम नमः पुंडरीकाक्षहरे ओम नमः पुंडरीकाक्षहरे ओम नमः पुंडरीकाक्षहरे। इस तरह आचमन के बाद विष्णु शरण करने के बाद मंगलाचरण,
हर पुस्तक में मंगलाचरण नहीं रहता है, मंगलाचरण भी कर सकते हैं और भी एक प्रातिर प्रभाती स्वरण इसको भी बोलता है। इस प्रभाती स्वरण में एक संग हम नवग्रह नवदेवता को नवग्रह देव को और त्रिन पुरुष त्रिदेव को हम स्मरण करता है ब्रह्मा विष्णु महेश करजोर करके हम प्रभाती स्मरण करेंगे। पहले ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारी भानुशुषी भूमिशुतौ बोध गोरश्च शुक्रशनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् या प्रणमाम्यहम्। शुभ में हम ये कार्य करेंगे तो सुप्रभातम् बोलेंगे और शुभ में नहीं तो किसी और टाइम में हम पूजा पाठ करेंगे तो हम प्रणमाम्यहम् ये भी बोल सकते हैं। प्रभाती वंदना करने के बाद मंगलाचरण एक ही संग करेंगे ओम नमः मंगलं भगवन विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडलिकाक्षं मंगलाय तनोहरि अभिस्मितरतं सिद्धरतं वंदित्यजं सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणपतये नमो नमः। सशंखचक्र गदापद्मं सकिरीटै कुण्डलं सापेतवस्त्रं सरसिरुहस्तनं सहारवक्षस्थल कौस्तभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ऐसी तरह हम मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद आचमन विष्णु शरण प्रभाती वंदना मंगलाचरण के बाद हम गंगा मृतिका लेपन या धारण गंगा मृतिका के छोटा टुकड़ा हम यहाँ पर लेंगे। ऐसी तरह लेने के बाद हम मस्तक में धारण करेंगे और हस्त यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद दाएं हाथ ऐसी तरह और बाएं हाथ यहाँ पर रखने के बाद मंत्र उच्चारण करेंगे ओम अस क्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापं जन्म मया दुष्कृतं कृतं उर्ध्वतासी वराहेन कृष्णेन शतपावना नमस्ते पुंडरीकाक्षं प्रभवारिणी शुभ्रते आरुज्जन मम गत्राणि सर्वं पापं प्रमुंचय। ऐसी तरह करने के बाद शरीर में थोड़ा गंगा मृत का लेपन कर लेंगे। गंगा मृत का लेपन करने के बाद गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान कुश में हरित के फल पहले देना है और एक रुपया वहां पर कोशा में देना है। हरित के फल को दाएं हाथ में ऐसी तरह पकड़ के बाएं हाथ को ऊपर में रखना है। रखने के बाद मंत्र उच्चारण करेंगे ओम श्री विष्णु नमयद्य अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक राशिस्त भास्करे अमुक गत्या अमुक दास्य श्री विष्णु प्रतिकाव ऐहिक नैहिक जन्म जन्मांतरीय पापक्षय काम अनेन उरित गंगोदकेन स्नानमहं करिष्ये ओम नमः गंगे च जमुने चैव गोदावरे सरस्वती नर्मदे सिन्धो कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसी तरह तीर्थावन करने के बाद करजोर करके नमः कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभाश पुष्करानि च पुण्यानि तीर्थान्यतानि स्नान काले भवन्ति। ओम विष्णु पादर्ग शंभुते गंगे त्रिपद गामिने धर्मद्रवेति विख्याते हरमिं पापं जन्नभि
श्रद्धया भक्ति संपन्ने श्री मातर देवी चन्नबी अमृति नाम्बुना देवी भागीरथी पुणिहिमा। इसके बाद में रास्ते में थोड़ा गंगा जल लेने के बाद मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम गंगा गंगेति जो ब्रुवात जो जो नानं शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। ऐसी तरह जल को ये वृद्धा मुष्ट से हमारे सर पे सेवन करना है। ऐसी तरह नमो गंगा नमो गंगा नमो गंगा। इसके बाद में प्रणाम गंगा प्रणाम। नमो शद्यपातकौ शनहंत्री शद्यौ दुःख विनाशिनी सुखदा मक्षदा देवी गंगा गंगैव परमागते। गंगा स्नान के बाद गंगा प्रणाम हो गया। गंगा प्रणाम करने के बाद चंदन तिलक धारण करेंगे। चंदन तिलक को इस मध्यमा से एक बूंद लेकर लेकर ऐसी तरह मस्तक में यहाँ पर धारण करना है। धारण करने के बाद दाएं हाथ में मस्तक में और बाएं हाथ यहाँ पर रखकर हम बोलेंगे नमो केशवानंद गोविंद बामन वराह पुरुषोत्तम पुण्यं जासस्य मायुसं चंदन तिलकं नित्यं मे प्रसीदतु। कांतिं लक्ष्मीं धृतिं शौकं सौभाग्यं अतुलं मम ददातु चंदन तिलकं नित्यं सततं धारयाम्यहम्। इसी तरह चंदन तिलक धारण करने के बाद हमें शिखा बंधन करना है। शिखा बंधन ब्राह्मणगण करेंगे। एक पुष्प में श्वेत वर्ण पुष्प में चंदन श्वेत वर्ण चंदन लेकर यहां पर मस्तक में देंगे और दाएं हाथ में ऐसी तरह रखकर बोलेंगे ब्राह्मणगण बोलेंगे ओम मणिधरे वज्रे महापति सरे रक्ष रक्ष हुम फट। ऐसी तरह ब्राह्मणगण करेंगे और ब्राह्मण या स्त्री लोग करेंगे ऐसी तरह हाथ रखकर उस पर देकर बोलेंगे ओम ब्रह्मवाणी सहस्राणी शिववाणी सतानि च विष्णुर नाम अध्ययन शिखावंदन करण्यम्। मस्तक में पुष्प रह जाएंगे हाथ छोड़ेंगे। पूजा पाठ करने की हर तथ्य को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दीजिए, लाइक कीजिए, साथ में रहिए और देखते रहिए विशुद्ध पूजा पद्धति।